ओके गाइस, तो तुम लोग का फिर स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में ऐसी एक चीज करने वाले, तुम लोग देख के शॉक हो जाओगे क्योंकि ऐसी चीज कभी एपिलेप्सी में पहले किसी ने करी नहीं है, वो हम ही होंगे पहले करने वाले। टीपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो आरटीपी करने से पहले तो फिर हम उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे जाके। तो भाई तो आरटीपी स्टार्ट, आरटीपी करते हम। तो हम सबसे पहले आरटीपी कर लेंगे, आरटीपी करने के बाद फिर हम लोग कहीं लोड जाएंगे। तो भाई अच्छे बायो में आ गए, तो सबसे पहले हम अपने कैक्टस फिट कर लेते हैं। ये कैक्टस तुम लोग देख के शॉक होने वाले, क्या होने वाला है अभी देखना, ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। तुम लोग गेस करो हम क्या करने वाले हैं, तुम लोग गेस भी नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी हम क्या करेंगे ये सब करने वाले हैं। चलो भाई जल्दी से फेंक दे अपना कचरा जमीन पे। ये सब कचरा तो मेरे को चाहिए ही नहीं, बहुत गंदा सा कचरा है एकदम। ये किसको चाहिए रहेगा, फेंको यार। वाटरमेलन क्रॉसबो किसको रहता चाहिए होता है, कौन ही यूज करता है वाटरमेलन क्रॉसबो, मेरे को पता ही नहीं कॉटन कौन यूज करता होगा वाटरमेलन क्रॉसबो। जितने भी मनी सैचल ये तो यूज कर ही लेंगे भाई, पैसे हैं तो ले ही लेंगे। मनी सैचल तो यूज कर ही ले रहे हैं हम, और एक्सपीरियंस सैचल भी यूज कर ले रहे हैं। 166 लेवल तो मिल गए हम, तो दो क्रॉसबो और मिल गए मेरे को, इनको भी डिस्ट्रॉय कर दें जल्दी से। ये रहा एक और, ये रहा। फालतू की चीजें मेरे को जरूरत नहीं है। देखो मेरे पास कौन सा बो है, डूम बो है। डूम बो के सामने कोई बो नहीं टिका। अगर टिक भी गया तो हम वैसे भी लगा ही देंगे कोई और खतरनाक एन्चेंटमेंट, फिर तो नहीं टिकेगा ना। तो ये कुछ और सामान रहा, इसको भी हम जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मेरे को फायदा ही नहीं है। को फेंक देते हैं। ये क्या ही करेंगे इस सामान का हम, इतने बेकार सामान का। तो हम जल्दी जल्दी सब फेंक देते हैं, वैसे भी कचरा है मेरे लिए तो एक तरह से। गाइस वैसे भी हमने ये डिस्ट्रॉय, तुम लोगों को पता नहीं होगा कि हमने ये डिस्ट्रॉय ऐसा क्यों किया। तो ये ऐसे डिस्ट्रॉय इसलिए किया है, सर्वर का ओनर जो कि वो मेरे से कह रहा था मतलब कि अगर तुम ये सामान डिस्ट्रॉय कर दोगे तो हम तुम्हें कॉइंस वापस कर सकते हैं। तो हमने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, अब मेरे को कॉइंस वापस मिल जाएंगे, मतलब पैसे वापस मिल जाएंगे मेरे को सारे जितने खर्च किए थे हमने। और गिव अवे की तरफ चलते हैं, अब गिव अवे के लिए हम सामान निकाल लेते हैं। तुम लोग का चैलेंज है कि हमें जो सबसे पहले टच करेगा उसको हम देंगे। अरे अभी नहीं मारना था। हाँ हम भागना स्टार्ट करेंगे जैसे ही, 3-2-1 करके तुम लोग को पकड़ना है, जो पकड़ेगा उसको मिलेगा एक एग्जॉटिक हार्ट। 3-2-1 स्टार्ट। चलो पकड़ो, जो पकड़ लेगा उसको हम देंगे 3 हार्ट। अरे मतलब वही एग्जॉटिक हार्ट है। कहाँ टच किया है, अभी चैट में आया ही नहीं है, पीपी आया ही नहीं है। हाँ ये हाइपर स्कॉड, हाइपर नाम कौन बनता है, हाइपर टच किया पहले, चैट में दिखा था। चलो ये लो अपना रिवॉर्ड, एक एग्जॉटिक हार्ट। आज इस बार गिव अवे मतलब थोड़ा सा कम सामान बांट रहे हैं क्योंकि मेरे बंदे पीछे पड़ रहे थे, तो सामान जितना ही रहेगा उतना बांटेंगे हम। आरटीपी करके हम कहीं छुपाने आ रहे हैं, ठीक है, एरिया में डायमंड के ब्लॉक छुपा रहे हैं, तुम लोगों को मतलब ढूंढना होगा। ये हो गया, छुपा रहे हैं डायमंड के ब्लॉक, 16 डायमंड के ब्लॉक छुपा रहे हैं। आए जो सबसे ज्यादा डायमंड ब्लॉक जीतेगा उसको नेदरराइट ब्लॉक देंगे। तो गाइस नेक्स्ट चैलेंज में दो ही नूबड़े हमारे पास, तो दो नूबड़े देखते हैं कितना डायमंड माइन कर पाते हैं। हमने डायमंड छुपा रखा है पूरे एरिया में, जाओ ढूंढ के आओ नूबड़ो। जिसके पास सबसे ज्यादा डायमंड होंगे उनको हम एक नेदरराइट का ब्लॉक भी देने वाले हैं। तो देखते हैं किसके पास ज्यादा होने वाले। पूरे एरिया में छुपा के रखे करीब 16 डायमंड ब्लॉक, तो ढूंढो 16 तक मिल सकते तुम लोग को पूरे एरिया में, ज्यादा दूर तक ना जाना, आसपास ही मिल जाएंगे तुम लोग को। हाँ भाई तुम तो बड़े तेजी से पाइन कर रहे हो, बहुत लगता है एसजी नेक्स्ट लेवल जीतने वाला है ये गेम, कि उसको मिलेगा भी नेदरराइट का एक एक्स्ट्रा ब्लॉक। और 16 है याद रखना, माइन करो पूरे एरिया में, पूरे एरिया में आसपास देखना। अभी वो क्या कर रहा है, डायमंड के ब्लॉक माइन कर रहा है। तुम पूरे जहाँ पे हम खड़े हैं पूरे इस एरिया में, ज्यादा दूर नहीं है, 40-50 मतलब ब्लॉक्स के अवे में ही है। तो एसजीजी नेक्स्ट लेवल जीतने वाला है, अरमान हारने वाला है। तो नहीं कहा गया, वो गायब हो गया, अंडरग्राउंड नहीं है। अच्छा तो और एक और डायमंड मेरे बहुत पास छुपा हुआ है, बहुत पास है, और भी बहुत पास है मेरे, कुछ बहुत पास है मेरे। हमने हल्की हल्की चीजें भी हिंट भी दे रखी है, हिंट है हल्की हल्की, कुछ अनयूजुअल ब्लॉक्स या कुछ अगर होंगे तो फिर ध्यान रखो। और एक पेड़ के नीचे भी देखो, बाकी के तुम लोग कभी ढूंढ लेना बाद में। और अभी जीता है हमारा एसजीसी नेक्स्ट लेवल, तो ये लो और इसको तुम फौरन रख देना स्पॉन पे जाकर, तुम्हारे से कोई ले तो हमसे मत कहना तुम। अरे तुम बहुत दूर जा रहे हो, जहाँ पे मेरे पास तुम आ नहीं रहे हो ना, हम जहाँ खड़े वहीं पे आसपास डायमंड होगा, मेरे आसपास ही कहीं डायमंड देखो, ढूंढने की ट्राई करो कहाँ पे, कहीं भी हो सकता है। तुम उसके सामने से निकल गए डायमंड ब्लॉक के सामने से, तुम्हें मिला ही नहीं, तुम फिर से निकल गए सामने से, तुम कभी ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारे सामने लगा है डायमंड ब्लॉक, तुम्हारे सामने डायमंड ब्लॉक है तुम्हें दिख नहीं रहा है, कुछ अनयूजुअल नोटिस करो, अलग लग रहा है। तो हमारा नूबड़ा तो ढूंढ ही नहीं पाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि बंदा सामने से निकल गया उसको ब्लॉक नहीं मिल रहा है, सामने ब्लॉक है, सामने मेरे सामने ब्लॉक लगा हुआ है और कोई नोटिस नहीं कर पा रहा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ब्लॉक तोड़ के भी निकाल सकते हैं वो लोग। टास्क मिल चुका है डायमंड के ब्लॉक को, ये कौन मार रहा है, तो मैं बाद में आया, तुम्हारा कोई फायदा नहीं, अब तुम थोड़े थोड़े डायमंड के ब्लॉक एक मांग लेना, 8-9 डायमंड तो मिल ही जाएंगे। और तुम लोग एंडर चेस्ट में रख के आ जाओ। अरे तुम लोग ऐसे, अबे यूटीजी क्या कर रहा है ये बंदा कर क्या रहा है, ये हमें मार रहा है और इसको चाहिए डायमंड, और सामने दो डायमंड के ब्लॉक लगे हैं, ये देख नहीं पा रहा है, क्या कर रहा है ये बंदा, क्या कर रहे यार तुम, ये अबे सामने लगे हैं डायमंड, ये क्या कर रहा है, अबे दो, अबे अरमान को दिख गया डायमंड, एक डायमंड का ब्लॉक और लगाया, एक और पास ही में लगाया, गलती है जो ढूंढ नहीं पा रहा, ये ढूंढ ही नहीं
तारा कहाँ पे? हाँ सामने लगा है मेरे, एकदम सामने लगा है सामने। अबे तुम लोग कहाँ देख रहे हो, मेरे सामने लगा है हम कह रहे हैं। देखो सामने लगा है मेरे, एकदम सामने, हम यही साइड में खड़े हैं, देखो सामने लगा है मेरे एकदम डायमंड। अब देखते हैं कौन जीतता है, कौन माइन करेगा। मेरे सामने सामने देखो, हाँ मिल गया मिल गया। अब देखो जो माइन कर ले वो, अब देखो उसको मिला है, जो माइन कर ले वो कर ले माइन। एंडर चेस्ट में रख, अभी क्या पता एक और डायमंड मिल जाए, हमें नहीं पता हमने कितने डाले हैं इस एरिया में, हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमने बहुत सारे लगा दिए डायमंड। देखो अब तुम लोग फाइंड करो, तुम लोग को मिलता है और डायमंड तो बताना। तो हम जब तक जाते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, ना ना नेक्स्ट चैलेंज किसी और बंदे का। तुम लोग सामने वाले कोने पे खड़े हो, एक कोने पे खड़े हो, कोना पकड़ के खड़े हो, सामने सामने एकदम सामने सामने खड़े हो। तो नेक्स्ट चैलेंज में हमारे पास अगर ये लोग मेरे को गिराएंगे तो इनको 3 नेदरराइट के ब्लॉक्स मिलेंगे रिवॉर्ड में। अगर ये एक बंदा इसमें एक लड़ाई करके गिर गया तो इनको मिलेंगे 20 डायमंड ब्लॉक्स। तो चलो फाइट शुरू करो, देखो किसको कौन गिराता है। हमें मारने आओगे तो हम मारेंगे, हमें गिराओगे तो। अब मेरे को चाहो तो गिराना है, गिराओगे? क्या करोगे करोगे करोगे? तो लो तुम्हारा ये विनिंग प्राइस आएगा, तुमने गिराया बंदे को, तुम्हें 20 डायमंड के ब्लॉक्स मिलने वाले हैं इसी वजह से। हाँ अबे उसको इतना ना मारो कि भैया वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके हार्ट खत्म हो जाएंगे, फिर बोलेगा। हाँ चलो देखो तुम लोग को 1v1 करना है, जो जीतेगा वो करेगा। और वंश तुम्हें हाथ से मारना है, अपना शॉट यूज नहीं कर सकते हो, ओपी से को मारना है। चलो स्टार्ट करो, तुम लावा ब्लॉक्स सब हर चीज यूज कर सकते हो, बस स्टोन के शॉट से ऊपर यूज नहीं कर सकते हो। अब तुम लोग जाओ, तुम अपना कुछ हार्ट रख के बढ़ो, कौन जीतेगा हार्ट दे दो इसको, छोड़ छोड़ दो छोड़ दो, एक हार्ट पे मर जाएगा, एक हार्ट पे छोड़ो, अब हार्ट दो। FFD में देखो तुम्हारे सामने तुम्हें 3 वोट दिख रहे होंगे, 3 बोर्ड लिख रहे होंगे, 3 बोर्ड पे नाम लिखे, तुम्हें एक एक बोर्ड पे एक सेलेक्ट करना है और जाके उस पे उस बंदे से पीपी करनी है। अगर तुम उस बंदे से जीत जाओगे तो तुम्हें मिलेंगे करीब 10 हार्ट। तुमने ये वाला एक्सेप्ट किया है, चलो फाइट हो जाए, 1v1 हो जाए। 3, 2, 1 स्टार्ट करो फाइट, FFD में स्टार्ट फाइट करो। समर तुम्हें पता नहीं है इस फाइट का सीक्रेट, इसके पीछे कुछ सीक्रेट है। कौन जीतेगा देखें, कौन जीतने वाला है तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें फाइट में एंड में क्या होगा वो तुम जानोगे, एक सरप्राइज है। भाग रहे हो तुम तो डर के, अगर एस्केप हुआ कोई भी तो फाइट कुछ मिलेगा नहीं, बिना हम तुम दोनों को मार देंगे। इसीलिए मरना हो हम मेरे हाथों तो फिर तुम लोग भाग जाओ, बचना नहीं चाहिए ना, हम ही मार देंगे। जैसे लगता है कि जीत जाएगा बंदा, ये वाला जीतने वाला है, लेकिन हमने कहा था चैलेंज के एंड में कुछ सरप्राइज होगा, तो अभी वो सरप्राइज रिलीज होने वाला जैसे ही ये बंदा मरेगा। देखो हम नूबड़ो की हेल्प करते हैं, 15 हो गए, 8 स्लो हो गए, ठीक है डन, अब जा रहे हो। देखो अब बारी थी सरप्राइज की, अब वो सरप्राइज क्या था, हमने कहा कह रहे थे बहुत देर से कि वो क्या सरप्राइज होगा, जो बंदा हारेगा हमने सोचा था कि हम उसको देंगे मास्टर किट और जितने प्लस सारे इन्वेंट्री में हार्ट से उतने, क्योंकि नूबड़ो की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि नूबड़े अगर नहीं हेल्प करेंगे तो फिर वो कैसे करेंगे खेलेंगे। तो हम मतलब थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं जितनी बंदे चैलेंज में आ रहे हैं उनकी, बस वादा ऐसे तो डेली नहीं कर सकते। चलो आ जाओ, तो हम सारा सामान दे देते हैं, ये रहा मास्टर किट का सामान, तो हमने लिख दिया है अगर जो बंदा सबसे पहले मेरे को टीपी करेगा 20 हार्ट से कम है तो हम उसको पूरी लेजेंड किट देंगे। देखते हैं कौन बंदा टीपी सबसे पहले करता है मेरे को, बाकी फैन ने मेरे को टीपी भेजी है, देखते हैं बंदा है कि नहीं। बाकी फैन आ गया है, तो इसके 26 हार्ट कम है, 20 से तो कम ही है, तो अब हम इसको किट दे देते हैं। तो लेजेंड किट के लिए जगह नहीं है, एक काम करते हैं डायमंड के ब्लॉक और कुछ नेदरराइट के ब्लॉक कर देते हैं। तो हम इसको बोल देते हैं इतना ही हम दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है इन्वेंट्री में, तो हम इतना ही सामान दे पा रहे हैं इसको, थोड़ी सी कैरेट दे देते हैं जिससे कि बंदा खुश हो जाए और फिर बाकी का सामान सब डाल ही देते हैं। तो नेक्स्ट चैलेंज है कि जो बंदा सबसे पहले हम पे क्राउच करके टीम अप करने का ट्राई करेगा उसको हम देंगे 5 नेदरराइट के ब्लॉक। तो देखते हैं कौन टीम अप करने का ट्राई करता है, ये तो टीम अप करने का ट्राई नहीं कर रहा है, हैकर है। इसको हैकर को लगा कि ये मेरे को मार लेगा, लेकिन इसको पता नहीं है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। देखते हैं सबसे पहले टीम अप कौन करने का ट्राई करता है, ये तो नेदरराइट वाले इनसे दूर रहते हैं, परेशान करेंगे। हाँ अबे तुम जाओ ना, क्या नूबड़े हो। तो इस नूबड़े ने उठा लिए, इस वांटेड नूबड़े ने, नॉट वन ऑल ने, मतलब ऐसा प्लेयर बेकार सा प्लेयर है, मतलब इतने 20-20 हार्ट वालों का सामान चोरी करता है। तो भाई अब उसने नेदरराइट का आर्मर सब उठा लिया, अब हम दे नहीं सकते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलेगा तुम लोग, आज की वीडियो के लिए इतना ही, तुम जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरे पास जितना सामान था हमने उतना तो बांट ही दिया, एक्स्ट्रा सामान मेरे पास जितना था मतलब मेरे पीछे पड़ जाते हैं पूरे टाइम, मारते रहते हैं पीटते रहते हैं, उसी की वजह से हम अपना सामान कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसी की वजह से हम कम सामान बांट पा रहे हैं। अगर हमारे पास नेदरराइट का फुल है तो मेरी हेल्प अगर करोगे मतलब सामान कलेक्ट करने में नेक्स्ट टाइम में तो और हम बांट पाएंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, और 2K लाइक्स रखा है गोल इसका, अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और ये क्या है, हार्ट पड़ा है, ग्लिच है, अच्छा पता नहीं क्या ग्लिच, कैसा ग्लिच है। अरे भाई हम फंस गए, तो
हम तुमको मारेंगे नहीं, तुमको गोल्डन एप्पल दे देंगे। अब तुम लोग जाके देखो एक बढ़िया वीडियो जिसमें हमने वाटरमेलन 40 वाटरमेलन क्रेट्स खोले हैं, जाके देखो उसमें क्या क्या मिला है। और तुम लोग जल्दी से जाके देखो, अब जो स्क्रीन पे आ रही है हमने उसमें 40 वाटरमेलन क्रेट्स खोले हैं, तो जाके जल्दी से देखो।